नमस्कार। आज की कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं सम और विषम संख्याओं के बारे में। प्रायः स्टूडेंट्स इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं, विशेषकर छोटे बच्चे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किसे हम सम कहेंगे और किसे विषम कहेंगे, क्या परिभाषा इसकी है। तो सम और विषम संख्या की परिभाषा इस प्रकार है। सबसे पहले सम संख्या, जो संख्याएं दो से पूर्ण विभाजित होती हो, अर्थात जिन संख्याओं में दो से भाग देने पर शेषफल शून्य मिलता हो, वैसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए इसका हम लोग यहां पर देखते हैं उदाहरण। तो सम संख्या के उदाहरण हो गया 6, 24, 52। कैसे, क्यों होगा ये? तो आइए दो से इसमें भाग देते हैं। जो परिभाषा में कहा गया है कि जो संख्याएं दो से पूर्ण विभाजित होती हैं, तो दो से देते हैं, दो से हम 6 में भाग दे रहे हैं, है ना। तो दो को 3 बार हम करते हैं तो 6 आता है और इसका शेषफल आता है 0। तो यहां हमने लिखा है ना, शेषफल शून्य मिलता हो। इसी तरह से दो से हम 24 में भाग दे रहे हैं, यहां भी हम देख रहे हैं कि शेषफल कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो इस प्रकार से इस तरह की संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब है विषम संख्याएं। जो संख्याएं दो से पूर्ण विभाजित नहीं होती हो, अर्थात जिन संख्याओं में दो से भाग देने पर शेषफल 1 मिलता हो, वैसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण है 5, 31, 55। ठीक है, तो देखिए अब हम 5 में 2 से भाग देकर देखते हैं। तो 5 में 2 से जब हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल आ जा रहा है 1। यहां 31 में भी हमने 2 से भाग दिया तो यहां भी शेषफल आ गया 1। तो इस तरह से यहां 5 और 31 विषम संख्याएं हुई। अब प्रश्न ये आता है कि हर बार तो हम भाग नहीं देंगे, बड़ी बड़ी संख्याएं मिलेंगी तो भाग देकर हम उसकी जांच करेंगे, यह संभव नहीं है। तो कौन सा ट्रिक है, कौन सी ऐसी जानकारी है जिससे हम जान सकें कि कोई संख्या, कोई दी हुई संख्या सम है अथवा विषम है। तो जिन संख्याओं की इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वैसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2, 14, 26, 128, 1000। आप देख रहे हैं कि पहली जो संख्या हमने ली है वो है 2। पहली संख्या हमने 2 ली है तो ये तो एक ही अंक की संख्या है, तो यहां 2 है। ठीक है, अब दूसरी संख्या 2 अंकीय है और इसकी इकाई में 4 है। तीसरी संख्या भी 2 अंकीय है और इकाई में 6 है। और इसके बाद जो हमने संख्या ली है 128, इसके इकाई में 8 है। और ये जो हमने संख्या ली है 1000, इसकी इकाई में 0 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं। अब इसके बाद देखते हैं विषम संख्याओं की पहचान क्या है। जिन संख्याओं की इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वैसी संख्याएं विषम होती हैं या विषम संख्याएं होती हैं। जैसे एक, ये 1 अंकीय संख्या है तो यहां 1 है। यहां 2 अंकीय संख्याओं में इकाई में 3 है। यहां 3 अंकीय संख्याओं में इकाई में 5 है। यहां 3 अंकीय इकाई के 3 अंकीय संख्या में इकाई में 7 है। और यहां भी 3 अंकीय संख्या के इकाई में 9 है। तो इस प्रकार बस इतना ही देख के हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं।
अब एक अहम सवाल उठता है कि शून्य जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। इसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो आइए परिभाषा जो दी गई थी पहले, है ना, जो शुरू में ये परिभाषा दी गई थी, इस परिभाषा के आधार पर हम जांच करते हैं कि शून्य सम संख्या हुई या विषम संख्या हुई। देखिए शून्य से हम दो, शून्य को हम दो से भाग देते हैं तो शून्य आता है। देखिए यहां भी हमने दिया शून्य से, दो से शून्य में भाग दे रहे हैं तो शून्य होता है। और हमने परिभाषा में देखा है कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं में दो से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य आता हो तो वो सम संख्या होती है। तो चूंकि शून्य में दो से भाग देने पर शेषफल शून्य मिलता है, अतः शून्य सम संख्या है। अब है कि सम और विषम संख्याओं के कुछ गुण को देखते हैं। दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। जैसे दो सम संख्या हमने ली है दो और चार, और इसे जोड़ा है तो आ गया छह, यह भी एक सम संख्या है। दूसरा जो गुण है, दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, यह हमेशा ऐसा होता है, है ना। तो यहां हमने एक विषम संख्या लिया तीन और दूसरा विषम संख्या पांच, इसको जब जोड़ते हैं तो आठ मिलता है, और यह आठ एक सम संख्या है। अब तीसरा जो गुण है वो है एक सम संख्या और एक विषम संख्या, इसको जब हम जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या होता है। याद देखिए, एक हमने सम संख्या लिया या चार और दूसरा विषम संख्या लिया ये पांच, तो दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो नौ मिलता है जो कि एक विषम संख्या है। तो आशा है कि जो सम और विषम के बारे में मैंने बताया, इससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोई भी दी गई संख्या को आप बता पाएंगे कि कौन सम संख्या है और कौन विषम संख्या है। धन्यवाद।